हेलो एवरीवन, दिस इज़ केडी कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर के बारे में। ये इसका आप डीजल मैनुअल वेरिएंट देख रहे हैं और इसका ये टॉप मॉडल है एग्जेट प्लस। और आप ये जो मॉडल अभी देख रहे हैं वो डार्क एडिशन वाला देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो की रिलेटेड बात हो जाए तो की पे आपको लॉक अनलॉक और लाइट्स एंड बूट ओपन के लिए बटन दिया गया है। तो गाड़ी को देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक्स आती हैं इसके ब्लैक कलर में और इसका डार्क एडिशन है, देख सकते हैं आप। तो बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं बोनट पे आपको कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है, DRS देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर ऑफर करा गया है और एक हेलोजन बल्ब भी है। और फुली LED सेटअप के साथ आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉग लैम्प्स भी आपको LED मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपको अपर ग्रिल देखने को मिलती है जो कि पियानो ब्लैक में दी हुई है। टाटा का लोगो देखने को मिलता है और देख सकते हैं आप लोअर ग्रिल जो है आपकी वो मैट ब्लैक में दी हुई है, देख सकते हैं आप। और नीचे का जो जो बम्पर आप देख रहे हैं ये मैट ब्लैक में आपको मिलता है और गाड़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। साइड इंडिकेटर्स आपके ORVM पर ही प्लेस्ड हैं। डार्क की बेजिंग देखने को मिलती है क्योंकि इसका डार्क वेरिएंट है, मतलब डार्क एडिशन वाला, ठीक। और जब बात करें इसके टायर साइज़ की तो आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स इसके, और इसकी जो प्रोफाइल है टायर की वो है 235/60R18, यानी कि 18 इंचेस के आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं मैट ब्लैक में। और आपको ऊपर देख सकते हो आप पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, काफ़ी बड़ी सनरूफ है। शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फ्यूल के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है। टेल लाइट्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं हैरियर की टेल लाइट्स। रिफ्लेक्टर्स और गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स दो ऑफर करी हैं। ये इसका कैमरा, हैरियर की बेजिंग जो कि मैट ब्लैक इस टाइप आपको ऑफर करी जाती है क्योंकि ये डार्क एडिशन है, तो सारा कुछ आपको इसमें डार्क ही देखने को मिलता है, देख सकते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, डिफोगर्स, वाइपर, और आपको हैरियर देखने को मिल जाता है जगह जगह गाड़ी में। और आपको ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया जाता है, देख सकते हैं जैसा कि आप। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं जो कि आपके बारिश होने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे जैसे ही आपके अंधेरा होगा वैसे ही। चलिए बात कर लेते हैं। तो भाई अब आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड डोर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर्स ऑफर कर दिया जाता है रेड कलर में, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ आपको लॉक अनलॉक एंड पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी ना काफ़ी स्टनिंग लुक आ रहा है इसके साथ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और बोतल होल्डर देखने को मिलता है आपको, ORVMs के कंट्रोल देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट टच ऑफर किया गया है। अब बात कर देते हैं ड्राइवर सीट के बारे में। तो सीट जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, देख सकते हैं आप। और हाँ, आपको ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड सीट्स के साथ मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में आपको पता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। और ये मैनुअल वेरियंट है, देख सकते हैं आप। एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच आपको दिया गया है। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले तो सीट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं।
एक सेकेंड, तो अभी सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं एंड क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है आपको, लाइट्स के कंट्रोल, एंड यहाँ आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और जो ये आपकी MID है वो फुली डिजिटल, मतलब आप समझ लीजिए स्पीडोमीटर आपको डिजिटली नहीं मिलेगा बट आपको और सारी चीज़ें डिजिटली मिल जाएंगी। टाटा का लोगो, और गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर कर दिए जाते हैं। IRVM ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो जाएगा आपका डे एंड नाइट, इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है, और इंफोटेनमेंट आपको 9 इंचेस का देखने को मिलता है, जो आपके 4 स्पीकर्स दिए गए हैं हैरियर में एंड 4 ट्विटर एंड एक आपको मिल जाता है सबवूफर। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं हज़ार लैंप्स के कंट्रोल और आपके AC वेंट्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC ऑफर किया जाता है एंड 6 स्पीड मैनुअल, और यहाँ पर आपके मोड्स दिए हुए हैं सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड वगैरह वगैरह, ठीक है। हिल असिस्ट भी दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप हैंडब्रेक देखिए यार, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैंडब्रेक दी गई है, देख सकते हैं कुछ ऐसे आपकी हैंडब्रेक इंगेज होती है यार, काफ़ी ज़्यादा अलग सा डिज़ाइन दिया गया है हैंडब्रेक में। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिलते हैं, और आर्मरेस्ट देख सकते हैं, आर्मरेस्ट के अंदर आप 12V के सॉकेट्स देख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स, और ये जो आपको आर्मरेस्ट है वो कूल मिलता है जी हाँ, और यहाँ पे लेदर यूज़ किया गया है, और ये आप देख रहे हैं तो यार यहाँ पे कुछ टेक्सचर टाइप ऑफर किया गया है, पर जब हम हाथ को रफ कर रहे हैं तो बिल्कुल लग नहीं रहा कुछ भी। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक देखने को मिलता है, और जो आपका ग्लव बॉक्स है वो लाइट के साथ एंड कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये आपके सनरूफ से कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है आपको हैरियर में, एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर करी जाती हैं, मैंने आपको बता दिया है जैसा कि। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यार ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं इसके AC वेंट्स, जो कि इसके सराउंडिंग में ये ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है यार, देख सकते हैं आप, को ड्राइवर साइड डोर। चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे के स्पेस के बारे में भी बात कर लेते हैं अब। हाँ तो भाई ये है आपका पीछे का डोर, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है, स्पीकर देखने को मिलता है, बोतल होल्डर देखने को मिलता है, और यहाँ पर कुछ स्पेस भी दिया गया है, कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पावर विंडोज के कंट्रोल, ये लॉक अनलॉक के लिए आपको दिया गया है, और ये देख सकते हैं आप पीछे की सीट्स और स्पेस के बारे में। तो ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन है केवल, कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वो सिर्फ आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। चलिए बैठते हैं और बात करते हैं पीछे के स्पेस के बारे में। तो भाई इसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, देख सकते हैं आप JBL की बैजिंग, और भाई देख सकते हो अब आप मेन चीज़ जो कि है इसका डैशबोर्ड, कुछ ऐसा नज़र आता है पीछे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। और इसकी जो हैंडब्रेक है ना यार, जी मेरे को काफ़ी यूनिक लगी, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है। और ये है आपकी वाइड सनरूफ, काफ़ी बड़ी है, लाइट्स देखने को मिलती हैं आपको, क्रैब हैंडल, और स्पेस देखिए अब आप, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं आप। और रियर में आपको AC वेंट्स ऑफर नहीं किए जाते बट कुछ स्पेस और चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। एयरबैग की बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे,
काफी ज्यादा अच्छे लुक्स के साथ हैरियर आती है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो कुछ यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है बूट स्पेस के लिए, और यहाँ आपको पार्शियल ट्रेड ऑफर की गई है, और हैरियर में आपको 485 लीटर्स का बूट स्पेस दे दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब वूफर JBL का, और यहाँ पे आपको एक हैलोजन लाइट भी ऑफर कर दी जाती है। और अगर हम बात करें स्पेयर व्हील की, तो वो आपका कहाँ है, चौक गए ना आप, कहाँ है मैं बताता हूँ कहाँ है। देख रहे हैं आप नीचे, यहाँ आपका स्पेयर व्हील है। तो देखा आपने, यहाँ पर आपको टूल किट ऑफर कर दी जाती है, ये देख सकते हैं आप। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के, अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो हैरियर में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करता है 170 पीएस की, एंड जो इसका टॉर्क है वो है 350 Nm। देख सकते हैं आप इसका इंजन, एंड बोनेट भी काफ़ी भारी है। तो इसकी जो प्राइस है ऑन रोड ग्वालियर सिटी में, वो अराउंड 25 लाख के करीब पड़ जाती है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एंड तक ये वीडियो देखी।